नमस्कार, जादू इस पल का इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग में सच्चा वैभव, इस भाग में हमने देखा कि वो हर व्यक्ति भिखारी है जिसने इस पल से मिलने वाली अनंत शांति और अमर्याद सुख की प्राप्ति जो नहीं कर सकता, वो हर व्यक्ति भिखारी है। फिर उसने कितना भी धन क्यों ना कमाया हो, कितना भी नाम और कितनी भी इज्जत क्यों ना कमाई हो, वो भिखारी है। सच्चा वैभव क्या है? इस पल में होने से मिलने वाली जो अमर्यादित सुख और अमर्यादित शांति, वही है सच्चा वैभव। अगर आप ये वैभव पाना चाहते हैं, जो पाना चाहिए, क्योंकि अगर ये वैभव जिसके पास है, उसके पास हर वैभव अपने आप आता है। क्योंकि वही व्यक्ति होता है जो इस दुनिया का सबसे एफिशिएंट व्यक्ति होता है, वो कोई भी काम सबसे बेहतरीन तरीके से कर पाता है, क्योंकि वही वैभव है जो सबसे बेहतरीन सुख और बेहतरीन शांति और सबसे बेहतरीन क्षमता आप में डेवलप करता है। आप में और आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, जो भी खूबियाँ है, उसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल वही कर सकता है जिसमें ये वैभव होता है, जिसने अपने अंदर का जो खजाना है उसको ढूंढ लिया है। वही अपनी क्षमताओं का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करके खुद को सबसे खास बना सकता है। इसलिए दोस्तों, हम सब ने पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो खजाना ढूंढ पाए, वो बक्सा जो है उसका जो ढक्कन है वो खोल पाए। तो चलिए इस श्रृंखला को यहाँ से आगे लेके चलते हैं एक कविता के साथ। एक छोटी सी कविता फिर से मैंने आपके लिए लिखी है, जिसका पर्पज़ है आपको यह सिखाना कि आप खुद में स्थित कैसे हो सकते हैं। उस खजाने के ढक्कन को खोलने के लिए अगर आपको कुछ करना है तो वो क्या है? खुद में स्थित होना है, इस पल में होना है, खुद में स्थित होना है और खुद होना है। ये खुद कैसे हुआ जाए, इसके लिए मैंने कविता लिखी है। बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे इस कविता के जरिए इस पल में कैसे जिया जाए, इस पल में होकर खुद में स्थित कैसे हुआ जाए और खुद कैसे हुआ जाए। तो चलिए इस कविता के जरिए ये सीखते हैं। यह कविता आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं है ताकि आप कुछ या कोई बन सके, बल्कि यह कविता आपको वो सब कुछ भुलाने के लिए है जो आज तक आप सीखे हैं, ताकि आप बन के रह सके। जन्म से ही संसार ने आपको हमेशा ही कोई और बनाया है, सोना, राजा, पिल्लू, तितली, गुड्डू कहके खुद से खुद को ही दूर बिठाया है। पर आज आपको यह सब कुछ भूलना है, अपनी आंखों से झूठ का पर्दा उठाकर उन्हें खोलना है, कोई दूसरा बनने के सपने देखना छोड़कर हर पल खुद बनना है। मैं होशियार हूं, मैं अलग हूं, मैं कलाकार हूं, मैं पुलिस हूं, मैं बॉस हूं, मैं खास हूं, यह कह कर आपने भी खुद ही को खुद ने ही गुमराह किया है। मैं निराश हूं, मैं गुस्सा हूं, मैं खुश हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं डरा हूं, मैं दुखों से भरा हूं, यह कह कह कर आपने ही खुद ही को खुद ही निकम्मा किया है। जब जब आप खुद को मैं यह हूं, मैं वह हूं यह कहते रहते हो, तब तब आप खुद को खुद होने से रोकते हो। जब जब आप मैं यह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं यह कहते रहते हो, तब तब आप खुद को खुद होने से टोकते हो। कब तक यह अनचाहा सिलसिला चलेगा? खुद से खुद दूर भागने का पल कब ढलेगा? जिंदगी यूं ही बीत जाएगी गलत फहमी में खुद स्थित होना कब तक टलेगा? कैसे आप इस पल में हो सकते हो? कैसे आप खुद में स्थित हो सकते हो हर पल दूसरा बनना छोड़ के? कैसे आप खुद आप हो सकते हो? अपनी सोच को रोककर जब आप अपनी सारी भावनाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को इस वक्त की क्रिया पर केंद्रित कर जाओगे, तो आप खुद आपको पाओगे और तब तक आप खुद आप बन जाओगे। आंखें बंद करके जब आप अंदर बोलने वाले को ढूंढोगे तो आप खुद आपको पाओगे।
और तभी कुछ पलों के लिए आप खुद खुदा बन जाओगे। भूत भविष्य से निकलकर, जब आप इस पल में स्थित हो जाओगे तो आप खुद आपको पाओगे और तभी उस पल के लिए आप खुद खुदा बन जाओगे। तो चलो आज यह प्रण करते हैं, कोई दूसरा बनना छोड़ देते हैं, दुखों की श्रृंखला तोड़ देते हैं, हमेशा इस पल में जीते हैं, हमेशा खुद में स्थित होते हैं और हर पल खुद होते हैं,